जय हिंद दोस्तों, अनिल सराठी चलना आप सी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 3093 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉरम दिसंबर 2023 में निकल कर आई थी दोस्तों, 11 दिसंबर 2023 को, जिसका ऑनलाइन फॉरम 11 जनवरी 2024 तक भरे गए थे, जिसका मेरिट लिस्ट आपका 12 फरवरी 2024 तक जारी किया जाने वाला है, जिसके बारे में कई सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अनिल सर आईटीआई ऐप पर अभी ट्रेड्समैन मेट का टेस्ट सीरीज चल रहा है और PGCIL का भी चल रहा है, और आप दोनों का फॉर्म भरे हुए हैं, तो अभी जा करके अनिल सर आईटीआई ऐप से जा करके जुड़ जाइए ताकि आपका जो है टेस्ट दे सके। आप अभी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं नॉर्दर्न रेलवे की अप्रेंटिसशिप के बारे में, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 11 जनवरी 2024 तक भरा गया है। 1 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट, लगभग 1,70,000 कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है 3093 पोस्ट पर। पोस्ट की संख्या 3093 है और इसके टोटल फॉर्म फिलअप की संख्या जो है 1,70,000 से भी एबव आपको देखने को के लिए मिलने वाला है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, कट ऑफ भी हाई ही जा सकता है, लेकिन पिछली बार भी लगभग इतना तो नहीं, 1,70,000 तो नहीं, इससे आधा ही फॉर्म भरे गए थे। लेकिन अब आने वाले जितना समय बढ़ रहा है, अप्रेंटिसशिप करने वालों की संख्या भी बढ़े तो फॉर्म भी शर्तें ज़्यादा ही भरे जाएंगे। फिलहाल तो इसका मेरिट लिस्ट आप देख पाइएगा कि 12 फरवरी तक जारी किया जाने वाला है, और एकदम आपको 12 या 13 तारीख तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट में डिले नहीं होने वाला है, पिछली बार भी बोला गया था कि फॉर्म भरने के आपको 2 से 3 हफ्ते में आ जाएगा, और वैसा ही हुआ था। वहाँ पर जो है पिछली बार भी 3 हफ्ते के बाद यहाँ पर रिजल्ट जारी हो गया था, लेकिन आपको रिजल्ट के साथ साथ मेरिट लिस्ट जो नहीं जारी किया जाएगा, रिजल्ट आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे अपना अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके। तो अपना एप्लीकेशन जो है अपने साथ रखिएगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है फॉर्म ही गायब कर देते हैं, फॉर्म नहीं मिल पाता है, इसलिए अपना फॉर्म सुरक्षित रखिएगा। और इसका कट ऑफ भी जारी किया जाएगा, उसके बारे में जब कट ऑफ आएगा तो बता देंगे, और साथ ही कट ऑफ भी आ जाता है। तीसरी बात, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अब फरवरी में तो रिजल्ट जारी होगा, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मार्च के एंड तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि आपका जो रिजल्ट फरवरी में जारी किया जाएगा और मार्च में आपका जो है मार्च एंड होते होते आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप कौन कौन से और जोन के मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम सभी की अपडेट्स जो है अनिल सर आईटीआई आपको वेबसाइट पर अपडेट रखे हुए हैं, जो भी मेरिट लिस्ट आता है आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो मेरिट लिस्ट आने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारियां देखने के लिए मिल जाती है। तो जा करके चेकआउट करते रहिए और देखते रहिए। फिलहाल आप देखिए तो कई सारे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, NWR का, WCR का, तो आज लास्ट डेट है, ये 2 फॉर्म भरे जा रहे हैं, जा करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आता है। तो इसके DV के लिए आपका कॉल लेटर भी जारी होता है, तो कॉल लेटर का भी लिंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 15 दिन पहले जारी होता है, तो उस समय आप जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद एडमिट, उसके बाद DV का डेट आएगा, और उसके बाद आपका जो है कॉल लेटर जारी किया जाएगा। तो कॉल लेटर में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, पहले तो आपका एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, जो आपको कॉल लेटर आया वो कॉल लेटर, सभी डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी, जैसे कि मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL, इनमें से कोई एक, SC ST OBC है तो उसके लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और किसी के पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, PWD वाले का PWD का सर्टिफिकेट लगेगा। मेरिट लिस्ट जो है बनता है वो आपके मार्क्स के आधार पर बनता है, जो ITI और मैट्रिक का एवरेज मार्क्स होता है उसी के आधार पर। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट आपको फरवरी में जारी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च एंड तक, अप्रैल 1 वीक तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तब तक इंतजार करिए, आता है तो अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर हम जो लिंक है आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगा उसकी भी जब अपडेट्स आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत ही जल्द 1 लाख कैंडिडेट होने वाले हैं, तो आप भी जुड़ करके इसमें भागीदारी कर बनिए और रेगुलर अपडेट पाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।